नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ठंड में सूर्य की किरणों से बचाव के आसान उपाय के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। सर्दियों की गुनगुनी धूप में किसे धूप सेंकना अच्छा नहीं लगता। देर तक धूप सेंकने के बाद जब आप छांव में आती हैं, तो चेहरा शुष्क और लाल हो जाता है। धीरे धीरे यही लालिमा कालेपन में बदल जाती है। यह स्किन टैनिंग है, जिसे आप सर्दियों में ठंडी हवाओं से शुष्क होती त्वचा समझकर छोड़ देती हैं व अगले दिन फिर धूप में बैठ जाती हैं। ठंड और कोहरे के बीच से छनकर आती धूप भी आपकी कोमल त्वचा को कितना नुकसान पहुंचना सकती है, शायद आपको ना पता हो। चेहरे पर भूरे दाग, काली झाइयां और छोटी उम्र में त्वचा पर पत्ती झुर्रियां भी सर्दियों की हल्की धूप की देन हो सकती है। सर्दियों की धूप त्वचा व बालों को उतना ही प्रभावित करती है जितना गर्मियों की। स्मार्ट टोपी, मफलर, स्कार्फ के अलावा त्वचा के लिए सनस्क्रीन 15, सनस्क्रीन 20 या सनस्क्रीन 30 का और बालों के लिए सनस्क्रीन शैम्पू विद कंडीशनर का इस्तेमाल करें। आंखों के चारों ओर, पलकों पर और कानों जैसी नाजुक जगहों पर सनस्क्रीन का एक और कोट लगाएं। 2 बड़े चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच शहद और 1 बड़ा चम्मच जौ का आटा चेहरे पर 20 मिनट पर लगाकर रखें और चेहरा गुनगुने पानी से धो लें। चेहरे की नमी लौट आएगी। ठंडी हवा और धूप से प्रभावित शुष्क त्वचा के लिए 1 बड़ा चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच बादाम का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच जौ का आटा मिलाकर चेहरे पर 20 मिनट तक लगाकर रखें और गुनगुने पानी से धो लें। 1 छोटा चम्मच खीरा व 1 छोटा चम्मच एलोवेरा और 1 छोटा चम्मच जौ का आटा, 1 छोटा चम्मच चंदन पाउडर और चुटकी भर तुलसी पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।